हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर लाइफ में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक एबीएस हीफर की, जो कि ब्रूट बुल की है, जो हमारे फार्म पे बीआई है। और मैंने इससे पहले वीडियो बना रखा है उस काव का, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, आप वो भी देख सकते हैं। तो चलो चलते हैं सीधा वीडियो की ओर। हाँ जी दोस्तों, तो मैं यही हीफर की बात कर रहा था। अब वो काव बन चुकी है और इसको भी आए हुए 10 से 15 दिन हो चुके हैं, और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और काव की मिल्किंग हो चुकी है, इसलिए अभी अडर इतना कुछ खास नहीं दिखेगा। फिर भी इसकी अडर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और जो टीट्स के बीच में गैप रहना चाहिए वो भी बहुत बढ़िया है। और अभी ये मिल्क कर रही है, 7 से 8 लीटर तक पहुंच चुकी है। और आपको पता होगा कि बियाने के बाद एक दिक्कत आती है, बियाने के बाद कई गायों में दिक्कत आती है कि उनको मेट्राइटिस हो जाता है। तो हमारी इस काव को भी मेट्राइटिस हो गया है। तो अब मैंने इसको कल ही डॉक्टर को बुलवा के और इंट्रा यूटेराइन करवाया है, तो उससे फर्क पड़ेगा, उसके बाद ही मिल्क पे आएगी। अगर आपकी काव को मेट्राइटिस हो गया है तो वो काव मिल्क पे बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है कि काव को मेट्राइटिस ना हो। और अगर मेट्राइटिस होता है तो आपकी काव मिल्क पे नहीं आएगी। और हमारे फार्म पे एक एबीएस बॉल्ट हीफर थी, वो भी बीआई है, अब काव बन चुकी है, तो उसका भी वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखना।